तरीके से किसके इशारे पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं है। आपको कोई तरह से बेहद किया गया है, जिस तरह न्यायालय के अंदर मुझे पीटा गया, पुलिस वालों ने पीटा, ये सब देखा है। मैं न गुंडा हूँ न बदमाश हूँ। जिस तरीके से किसके इशारे पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं है। आपको कोई मारे तरह से बेहद किया गया है, जिस तरह न्यायालय के अंदर मुझे पीटा गया, पुलिस वालों ने पीटा, ये सब देखा है। मैं न गुंडा हूँ न बदमाश हूँ। जिस तरीके से किसके इशारे पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं है। आपको कोई मारे इस विषय में जानकारी एक हफ्ते पहले हमें भी आई थी, मीडिया के ही माध्यम से आई थी कि ऐसा प्रकरण है। जो SDM भदोही हैं उनको इस विषय में आदेश किया गया था कि वो प्रकरण की जांच करें, और इनके द्वारा जो जांच की गई प्रारंभिक रूप से 1320 फसली में, वो चूंकि नॉन जेडे का एरिया है, वहाँ जमींदारी एवोल्यूशन अभी लागू नहीं हुआ है, वहाँ 1320 फसली में उस स्थान पर वाकई तालाब दर्ज है, लेकिन वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के नाम से तालाब था जिस स्थान पर आजकल आज के दिन में वो निर्माण हुआ है। इस विषय में जांच की जा रही है, SDM भदोही द्वारा अवगत कराया गया है। अब तक जो जांच हुई है उसमें पत्रावली प्राप्त करके पुरानी, उसमें विधायक जी के पक्ष की तरफ से आपत्ति लगाने के लिए पत्रावली डेट में थी, उनके वकील आपत्ति लगाएंगे और शीघ्र ही उसमें नाम काटते हुए उस स्थान से, और जो अगली प्रक्रिया है धारा 67 की, उसके अंतर्गत उनको बेदखल किया जाएगा और बेदखल करने के बाद उस मकान को हटाया जाएगा। यही प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के उपरांत जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिस तरीके से किसके इशारे पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं है। आपको कोई तरह से बेहद किया गया है, जिस तरह न्यायालय के अंदर मुझे पीटा गया, पुलिस वालों ने पीटा, ये सब देखा है। मैं न गुंडा हूँ न बदमाश हूँ। जिस तरीके से किसके इशारे पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं है। आपको कोई मारे तरह से बेहद किया गया है, जिस तरह न्यायालय के अंदर मुझे पीटा गया, पुलिस वालों ने पीटा, ये सब देखा है। मैं न गुंडा हूँ न बदमाश हूँ। जिस तरीके से किसके इशारे पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं है। आपको कोई मारे जिस तरीके से किसके इशारे पर किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं है। आपको कोई तरह से बेहद किया गया है, जिस तरह न्यायालय के अंदर मुझे पीटा गया, पुलिस वालों ने पीटा।